नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2IT YouTube चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम अपने विंडोज के सिस्टम में कैसे VMware को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे VMware की हेल्प से हम Red Hat Linux को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। मेरे सिस्टम में क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल है, तो मैं सिंपली क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो वेबसाइट्स ओपन कर रखी हैं। तो जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको दो लिंक्स मिल जाएंगे। फर्स्ट लिंक से आप VMware के डाउनलोड पेज पे चले जाएंगे, जहाँ से आप VMware को डायरेक्टली एक क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह जैसे ही आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप Red Hat के ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे, जहां से आप Red Hat का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी हम कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये फाइल्स डाउनलोड होती हैं, और जैसे ही ये फाइल डाउनलोड होती हैं हम आगे प्रोसीजर के लिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों फाइल्स डाउनलोड हो चुके हैं और मैंने इनको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। तो सबसे पहले हम VMware को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम Red Hat को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली VMware पे क्लिक करेंगे। और ये कुछ इस तरह से पॉपअप दिखाएगा, इसको हम सिंपली यस करेंगे और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये अपनी फाइल्स को प्रोसेस कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी प्रोसेसिंग फिनिश हो चुकी है और अब हम रेडी हैं वर्चुअल मशीन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। तो हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरह से एग्रीमेंट दिखाएगा, इसको सिंपली टिक करके नेक्स्ट प्रोसेसर के लिए बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपको यहाँ पे दो टिक्स शो हो जाएंगी। तो फर्स्ट टिक है कीबोर्ड के ड्राइवर्स के लिए। तो अगर आपके सिस्टम में कीबोर्ड के ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको सिंपली टिक कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में कीबोर्ड के ड्राइवर हैं तो मुझे इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप टिक और अनटिक कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो मैं दोनों को टिक ही रहने दूंगा। सिंपली नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ पे मेरे को एक इंस्टॉलेशन बटन मिल गया। इसकी हेल्प से मैं अपने इंस्टॉलेशन है उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब ये 2 से 3 मिनट लेगा इंस्टॉलेशन होने के लिए, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की प्रोसेस पे। सो जैसा कि आप ये विंडो देख सकते हैं, मेरा जो VMware है वो प्रॉपरली मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है और अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको मैं सिंपली फिनिश करूंगा और जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक VMware का आइकन मिल चुका है, इसके हेल्प से हम VMware को ओपन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, VMware ओपन हो चुका है। तो इसकी स्टार्टिंग में हमें फाइल एडिट व्यू करके कुछ टूल्स मिलेंगे जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं जब हम अपनी वर्चुअल मशीन को इस्तेमाल करेंगे VMware। तो मैं सिंपली फर्स्ट आइकन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी मशीन इंस्टॉल नहीं कर रखी, तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। अगर आपने पहले से कोई मशीन इंस्टॉल कर रखी है VMware में तो आप उसको डायरेक्टली सेकंड आइकन से ओपन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली फर्स्ट आइकन पे क्लिक करता हूं और कुछ इस तरह से आपको पॉपअप विंडो मिल जाएगा। इसमें आप इस टिपिकल को ही रहने दीजिए, जस्ट क्लिक करेंगे और आगे हमको ये 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन को टिक करके अगर हमारे पास किसी CD या DVD में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन की हेल्प से हमारे अगर विंडोज सिस्टम में कोई फाइल हमारे पास, जैसे OS फाइल हमने डाउनलोड किया है Red Hat की, हम उसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम सिंपल एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम अगर चाहें तो बाद में विंडोज को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास iOS फाइल है तो मैं जस्टली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसमें ब्राउज करता हूँ जहाँ पे मैंने उसको सेव किया है। तो मेरी वो फाइल डेस्कटॉप पे डाउनलोड्स करके फोल्डर है उसमें सेव है। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। तो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने जा रहे हैं। तो मैं सिंपली लिनक्स पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे लेकिन अब आपको दिख जाएगा कि लाइनेक्स 8 64 बिट। अभी जो VMware का लेटेस्ट वर्जन है उसमें लाइनेक्स 9 सिस्टम नहीं लिखाया, तो हम लाइनेक्स 8 के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाके अपने वर्चुअल मशीन का नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको 9 लिख देता हूँ और यहाँ पे आगे आके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी स्पेस देना चाहते हैं। 20 GB एटलीस्ट काफी है लाइनक्स 9 वर्जन के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको और थोड़ी स्पेस देनी है तो आप यहाँ पे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मैं सिंपली अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी जो जो आपके सिस्टम में प्रोवाइड की है लाइनक्स को इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैं इसको सिंपली फिनिश करता हूँ और थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमने एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना लिया जिसमें हम लाइनक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से पावर ऑन करता हूँ और देखते हैं आगे का क्या प्रोसीजर रहता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह से दिखा देगा जिससे हम अपने लाइनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो माउस है वो वर्चुअल मशीन में एंटर हो चुका है। मैं सिंपली इसको एंटर करता हूँ ताकि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा इसके जितनी प्रोसेस फाइल्स हैं उन सबको प्रोसेस करने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये ऑटोमेटिकली फाइल्स को डिटेक्ट कर रहा है उस ISO फाइल से। और जैसे ही ये पूरे प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी हम फर्दर प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अभी कुछ देर वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं वो प्रोसेसिंग जो है फिनिश हो चुकी है। अभी जो इंस्टॉलेशन गाइड है वो स्टार्ट हो चुका है। ये एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स लेगा इसको फर्दर प्रोसीजर के लिए, तो हम उस टाइम तक वेट कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी प्रोसेसिंग फिनिश हो चुकी है। अभी हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी लैंग्वेज में अपने राइट हैट को इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं बेसिकली इंग्लिश ही रहने देता हूँ और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें पॉपअप विंडो मिल चुकी है। अब हम सिंपली इसके जो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन है इस पर क्लिक करते हैं और इसको सिंपली डन कर लेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसको प्रोसेस करने में और ये डन हो चुका है। अभी एक और एरर आ रहा है हमारे रूट पासवर्ड पे, क्योंकि हमने अभी तक कोई रूट पासवर्ड सेट नहीं किया है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और एक रूट पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो मैंने एक रूट पासवर्ड सेट कर दिया है, सिंपली मैं डन पे क्लिक करता हूँ और ये भी डन हो चुका है। तो अब हम इंस्टॉलेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही आपके सामने ये पॉपअप विंडो आ जाएगी ये फिर से थोड़ा टाइम लगा इसको प्रोसीड होने में। इसमें जो जितनी फाइल्स हैं वो सारी इंस्टॉलेशन टाइप में चली जा चुकी हैं, तो आपको थोड़ा टाइम और वेट करना है ताकि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर से जितनी फाइल्स हैं वो सारी प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएं। इसमें भी एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, तो हम उतना टाइम वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में चला गया है। तो इंस्टॉलेशन के लिए ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर फाइल्स होती हैं जो कि इंस्टॉल होती हैं आपकी वर्चुअल मशीन में। उनको थोड़ा टाइम लग जाता है और वो डिपेंड भी करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो या कौन सा आपके सिस्टम में प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। तो आप कुछ देर वेट कर लीजिए जब तक ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो इंस्टॉलेशन है सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक बार रीबूट के लिए बोल रहा है, तो हम सिंपली रीबूट पे क्लिक कर देंगे। तो आफ्टर रीबूट हम वो जो है लिनक्स को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो रीबूट हो रही है और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये सिस्टम हमारा रीबूट नहीं हो जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है वो रीबूट हो रहा है। मैं सिंपली एंटर पे प्रेस करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हमने एज अ वर्चुअल मशीन यूज किया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने में। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वर्चुअल मशीन ऑन हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास ये ऊपर ऑप्शंस होते हैं, जब हम वर्चुअल मशीन यूज करते हैं तो हम इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ।
तो अभी ये फर्स्ट सेटअप के लिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है लिनक्स को, तो हम सिंपली स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करते हैं। और ये कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स दिखा रहा है, मैं अभी जो लोकेशन सर्विसेज है इसको इनेबल ही रहने देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो यहाँ पे आप इन हैंडल को आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, नेट क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप किसी भी अकाउंट से लॉग इन करना चाहते हैं तो इसमें आप लॉग इन कर सकते हैं। मैं अभी किसी में लॉग इन नहीं कर रहा हूँ तो सिंपली मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स मांगेगा आपके यूजर्स के लिए, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम लिख देता हूँ, तो ऊपर आपका जो है इस डायलॉग बॉक्स में आपका फुल नेम रहेगा और सेकंड जो डायलॉग बॉक्स है उसका आपका यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा जिस नेम से आपका यूजर वर्क करेगा। तो मैंने सिंपल A2IT लिख दिया इस पे और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एक पासवर्ड के लिए मांगेगा, तो मैं कोई भी सिंपल सा पासवर्ड रख देता हूँ एक और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सारा सेटअप सेट हो चुका है, तो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं लिनक्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एक यहाँ पे पॉपअप आ गया है, मैं इसको फिलहाल नो थैंक्स कर देता हूँ। और इस तरह से डिस्प्ले होता है हमारा विंडो 9 लिनक्स एंटरप्राइजेस। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके पास ये आइकन्स डिस्प्ले हो जाएंगे जिसकी हेल्प से आप फर्दर कमांडिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें फायरफॉक्स प्री इंस्टॉल मिलता है, ये हमारा फाइल्स, देन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, देन हेल्प, देन टर्मिनल, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट कमांड्स को इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमको लिनक्स को इंस्टॉल करने के बाद कौन सा फर्स्ट स्टेप करना चाहिए और कौन कौन सी बेसिक कमांड होती हैं जो हमको लिनक्स में पता होनी चाहिए फिर लिनक्स को यूजेज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।